Assalamu alaikum my YouTube family and welcome back to my YouTube channel रमजान मेरी और तलहा की तरफ से आप सब लोग को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अच्छा जी, तो अब रमज़ान का ये जो ब्लॉग है, अच्छा आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि रात का टाइम है, सहरी है, अंकल और तलहा सो रहे हैं, बस तलहा और मैं सहरी करेंगे। और ये जो ब्लॉग है ये आप लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा, सहरी और अफ्तारी का साथ में, और आज तलहा रेसिपी भी देंगे। तो बस व्लॉग यहीं से स्टार्ट है और लेट्स सी कि आप लोग को मेरी सहरी और अफ्तारी की जो रूटीन है वो कैसी लगती है, लेट्स सी। तो मैं आप लोग को अपनी सहरी दिखाती हूँ। आ जाए यहाँ पर, अभी ऊपर आई हूँ तो यहाँ पर सारा जो सहरी का है, बाबा हाशिफ भाई चाय बना रहे जी, चाय बन रही है और आज तलहा रेसिपी भी देंगे। और यहाँ पर तलहा की फरमाइश पर सालन बना था चिकन और पालक का, पालक चिकन का, और यहाँ पर चाय बन और सालन दही और वहाँ पे चाय बन रही है और तलहा की हम कर रही थी बस, क्योंकि वो दही खा रहे हैं ना, बस ठीक है। तो बस हमारी यहाँ पे सहरी रेडी हो गई है, चाय भी बन गई है और सहरी हम लोगों ने कर ली है। बस ये मैं पानी भरूंगी और इसके बाद रोज़ा रखूंगी। तला ने भी सहरी कर ली और मैंने भी, और आज आए सब लोग सो रहे हैं, बाहर गार्डन दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आप लोग को, ये आराम कर रही हैं, सहरी में कितना सन्नाटा होता है, ये देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ भाई कुछ खाओगी? ये देखें बिल्कुल, अभी अजान नहीं हुई है फजर की, ये देखें, और ये देखें आराम कर रही हैं। बस अब मैं भी जाऊंगी और रोज़े की तैयारी करूंगी। ये देखें ऊपर आसमान, कितना सुकून मिल रहा है आके। चलो बस अब आ जाए, मैं रोज़ा बंद करती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, इनको हम करते हैं बंद। आ जाइए प्लीज। तो जी गाइस, अब मेरी जो सहरी है तलहा मेरी वो हो गई है, बस मैंने अभी फजर की नमाज़ पढ़ी। तो अब जो मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी वो होगी जैसे ही मैं सो के उठूँगी, तो मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँगी। बस मैंने सहरी से यानी कि 4 बजे रात के मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू किया था, सुबह के 4 बजे। 2000 years later बस मैं अभी सो के उठ गई हूँ और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और तलहा रेसिपी ले रहे हैं। तो बस तलहा भी सो के उठ गए हैं, सो के मैं 1 घंटा पहले उठ गई थी लेकिन मोबाइल उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। तो बस अभी हम ऊपर चलते हैं और तलहा रेसिपी दे रहे हैं और लेट्स सी कि वो क्या देते हैं। बस तलहा भी फ्रेश होके ऊपर आ रहे हैं और आ जाए आप लोग भी। चोर छोलो की चाट जो कि मुझे अब और सुनो को बड़ी पसंद है और आशिम भाई को भी पसंद है। आशिम भाई जी जी मैं आशिम भाई थोड़ा रोज़ा। तो बस अभी रेसिपी दे रहे हैं तलहा काले छोलों की, और जो जो हम लोग अफ्तारी में करते हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अच्छा डेली हम लोग कुछ ना कुछ अलग करते हैं, अफ्तारी तो डेली बनती है लेकिन उसके साथ कोई एक सालन ज़रूर होता है। आज क्या है सालन में आशिम भाई? भिंडी बनाई। आज भिंडी बनाई है और सहरी में पालक गोश्त था, पालक चिकन था ना जी। तो बस अभी तलहा रेसिपी दे रहे हैं और आ जाएँ। ये छोले हैं, दिखाएं तला और कड़ी पत्ता चाहिए तला दिखाएं आशिम भाई। लूंगा मैंने लिए थे 1 छोटा प्याज चॉप्ड, 1 हरी मिर्च, 2 छोटे छोटे टमाटर मैंने चकोर काट लिए थे चॉप्ड, फिर इसमें मैंने ले लिया है अपना पुदीना और धनिया मिक्स क्योंकि वो उसका जायका बड़ा मजे का आता है, हाफ हाफ ले लिया थोड़ा थोड़ा ये। अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक। आशिम भाई लींबू दें जी, लींबू दे दें। जीरा 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच से कम थोड़ा हाफ बस थोड़ा कम। अब इसको मैं लींबू भी डाल देना, मुझे चटपट अच्छा लगता है, थोड़ा सा लीमू डालेगा। और कल मैं भी आप लोग को रेसिपी दूंगी अभी क्योंकि इसमें मैं इमली डाल चुका हूँ, आधा लीमू से भी कम। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगा क्योंकि देखिए धुआं निकल रहा है, फ्रेश बिल्कुल मैंने चने बॉईल किए थे ताकि फ्रेश फ्रेश खाया जाए और मज़ा आए
मुझे लग रहा है समूह के मुंह में पानी आने लगा है। बल्कि मैंने और हाशिम भाई ने मिलके मैंने बनाई है काले छोलों की चाट, बड़े मज़ेदार छोटी रेसिपी के साथ, झटपट के साथ। और हाशिम भाई ने बनाया है यहाँ पे पुदीने का शरबत, जिसमें उन्होंने चीनी ली, उन्होंने पुदीना लिया, थोड़ा सा जीरा लिया और उसको ग्राइंड किया। अब उसमें पानी डाल के हम उसको रख देंगे फ्रिज में, ताकि जब पिए तो चिल्ड और बड़े मज़ेदार सा मिले। ताकि जो आ गए हाशिम भाई, जी हाशिम भाई दिखाएं, ये हमारे पुदीने का जो शरबत है वो भी ये पूरी। और क्या नाम था रेसिपी का? पुदीने का शरबत, मिंट ठंडा ठंडा। ये देखिए शरबत बिल्कुल बन गया है जी। हाशिम भाई हिला लें आप। और यहाँ पे तला की रेसिपी लगी है और इसमें मैं ये कुछ डाल दूंगी बारीक करके, ताकि अब्बू खा सके। इस तरह से नदीम जी दिखाओ, ये देखें ये हो जाएगा। और कुछ किशमिश डाल दूंगी इसमें, पहला डालूँ किशमिश आप खाइए। ये देखिए कुछ किशमिश डाल देंगे हम इसमें, मुझे इतनी पसंद है। और अब इसमें मैं कुछ ये डाल दूँगी इस तरह से काट कर। अब ये मैं मिक्स करती हूँ। ये देखिए ये हमारी क्रीमी फूड चाट रेडी हो गई है। इधर दिखाएं, ये देखें। अब ये इसको जो है ना मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। अभी मगरिब की अजान में आधा घंटा है, डीप फ्रीज़र में। और उसके बाद ये जैसे ही रेडी, मतलब थोड़ी सी फ्री हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। अभी मैं इसमें अमरूद डाल रही हूँ, दो मिनट रुके, अमरूद डाल दूँ दो मिनट। चला लाइए अमरूद डाल दूँगी पूरे। कैसा लग रहा है नदीम? बहुत अच्छा लग रहा है। रमजान मुबारक बोल दें आप भी सबको। जब कैमरे के सामने हम फिर जी चाहिए। चीनी डाल दी था ना आपने इसमें? ये देखें ये इस तरह से कुछ है। अच्छा कुछ लोग बहुत बारीक फ्रूट्स काटते हैं, लेकिन मुझे बारीक नहीं पसंद, तो हम मोटे मोटे खाते हैं। मतलब मेरे ससुराल में मिक्स ही करो। ओके बस ये रेडी है, देखें बस 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 तरह वो भी वही ना शेक। ये देखें ये अभी हम इसको फ्रिज में रख देती हूँ और इसके आधे घंटे बाद निकाल के दिखाती हूँ। ये जैसे ही फ्राई होते हैं तो फिर हम ये आलू के डाल देंगे इसमें, आलू के चिप्स। तो चले आ जाए बस यहाँ पर जो सब्जी रेडी है। अब अजान में सिर्फ दो मिनट रह गए हैं, हमें रोज़ा खोलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। चले आ जाए भाई सब लोग। तो यहाँ पे हमने बहुत मज़े की अफ्तारी बनाई और खाई भी बड़े मज़े से, बहुत मज़ा आया। और क्या कहते हैं अबू चाइनीज़ भी ले आए थे, क्योंकि तो उनको नहीं रख सकते वो रोज़े, क्योंकि तो शुगर पेशेंट है। तो अपने लिए खाना लेकर आए थे, तो हमने कहा चलो चाइनीज़ भी हम खाते हैं रमज़ान अपना अफ्तार में। तो बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा रोज़ा भी लग रहा था, जिस वजह से मैं थोड़ा डाउन हुआ था। और हम हमेशा कम कम चीज़ें बनाते हैं, हर दिन अलग कुछ ट्राई करते हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो है फिर खाई नहीं आती, और कहते हैं कि ज़ाया भी जाता है, तो अच्छा ही नहीं लगता। जैसे हम कम क्वांटिटी में ज़्यादा खा लेते हैं। तो बस अभी हम थोड़ी देर में चाय भी पियेंगे ताकि और रिफ्रेश हो जाए इंशाल्लाह। A few moments later. अच्छा अब अफ्तारी के बाद जो है ना पूरे घर की जो है सफाई वो हो गई है। तो ये देखें हम पूरा जो है ना पूरा साफ हो गया है। तो बस अब हम चलते हैं नीचे आ जाए। बस अफ्तारी के बाद ये देखें पूरे जो घर की है वो सफाई हो रही है। बस ये देखें सफाई हो रही है यहाँ पर अफ्तारी के बाद जो है ना पूरे घर की, क्योंकि अब हमारे घर पर बहुत बड़ी अफ्तार पार्टी होगी। तो बड़ा धुलता है अच्छे से, धुल से जो है ना यहाँ पर जो दावत होगी उसकी सफाई होती हो रही है अफ्तार पार्टी। आप मुझे अपनी चिड़ियाँ से साफ किया करें, हाथ से रेड वाला और ब्लीच और बोनस। अफ्तारी में मैंने काले छोले बनाए, हाशिम भाई ने जो है पुदीने का शरबत बनाया, सुम्बुल ने जो है फ्रूट चाट बनाई क्रीम के साथ। तो बड़ा मज़ा आया। और क्या नाम है अभी बस सुम्बुल लगी है थोड़े बहुत घर की सफाई मैंने देने के साथ, और मैं पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय। क्योंकि मैं थोड़ा अफ्तारी के बाद आपको पता है थोड़ा सा एकदम खाओ तो सर दर्द करता है, सर घूमता है।
तो बस मैं चाय पीने लगा हूँ और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ कल, और इंशाल्लाह भी आगे दावतें भी आने वाली हैं तो और अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें मैं यही चीज़ें बनाऊँगा सारी की सारी जो भी आइटम चूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, स्टे ट्यून विद अस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।